नमस्कार सर। सब साहेब भगत जी, क्या शुभ नाम है जी आपका? सुनील दास नाम है मेरा। पिताजी का नाम है राम बिहारी ओझा, ग्राम पर्याया, जिला भिंड, मध्य प्रदेश से आए हुए हैं हम। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब की शरण में आने से पहले मैं जो है ये जैसे शंकर भगवान की पूजा और एक विष्णु भगवान जैसे अपने जो है श्री कृष्ण जी की पूजा करता था मैं, और मेरा शिवरात्रि का जन्म भी था, तो जिस आधार पर हमारे से कहते थे बोले आपका, तो बोले भोले जी का जो शिवरात्रि का दिन का जन्म है, तो उस आधार पर मैं शिवरात्रि को भजन कीर्तन भी करवाया करता था, थोड़ा बड़ा हो गया था सब, और बहुत आस्था रखता था देवी देवताओं में। गांव के जैसे कोई भूमिया होते थे, गाँव के कोई छोटे मोटे थान होते थे, वहाँ पर भी कोई गाँव प्रसाद चढ़ाना, और हमारे देवी का एक मंदिर भी है वहाँ पे घर पे ही सामने, तो वहाँ पे भी हम जाया करते थे। भैरव जी हमारे चाचा जी हैं, उन पे भैरव जी आया करते हैं। घर में कोई परेशानी परिस्थिति हुआ करती थी तो हम चाचा जी से पूछ लिया करते थे कि चाचा जी आप हमारे ऐसे क्यों हो रहा है, मैं जैसे कोई बीमार हो जाता, कोई डर जाता रात को, तो चाचा जी कहते कि बोले तुम्हारे क्या है कि कुछ काली रोटी हुई है, अपनी कुल देवी है जो कालिका, इसलिए थोड़ी परेशानी आ रही है, उसका कुछ करवाना पड़ेगा। तो मैं कहता था कि मैं करवाऊं क्या, मैं तो इतना गरीब हूं और अब करवाने के लिए आप कहते हो, और ये इनको देवताओं को पता नहीं लगता क्या, मेरे पास जब पैसा आएंगे तभी तो मैं इनके लिए कुछ करवाऊंगा, ऐसे कैसे क्या करवा दूं, फिर भी मैं इधर उधर से उधार सुधार, क्योंकि मेरे पिताजी में 6 साल का था जब भी खत्म हो गए थे, तो पूरा भार मेरे ऊपर ही हुआ था, चल रहा था, जो मैं भी 9 तक तो पढ़ा था, उसके बाद मेरे पास पढ़ाई के लिए भी पैसे नहीं थे, जो दुखी होकर मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी थी, और मैं अहमदाबाद चला गया था, तो वहाँ पर रहने लग गया था। तो उसके पहले अहमदाबाद नहीं गया, उसके पहले भी क्या है कि जैसे गांव में अपने कोई काम मिल जाता था छोटा मोटा, कोई खेत काटने का, तो उसमें खेत कटवा के आता था, उससे गुजारा चलता था। फिर उसके बाद में हमारे एक गांव में कोई पंडित जी थे, उन्होंने कहा कि बोले एक काम करो, बोले तुम्हारे भिंड में जो है एक मास्टर जी रहते हैं शुक्ला जी, तो उनके यहाँ पे बोले तुम्हारे को नौकरी लगवा देता हूँ, तो 200-500-600 रुपए जो भी हैं घर पे मिलते रहेंगे, तुम्हारी नौकरी का खर्चा वो वहाँ पे जो रहोगे, तो वहाँ पे नौकरी मेरे को क्या बताएगी, बोले भैंस का गोबर है ना, इसको छत पे डालना है, सिर्फ इतना ऐसा ही काम करना है। तो मैं इतना गरीब था, मुझे क्या पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मेरे को वहाँ पे अपना पेट पालने के लिए भैंस का गोबर तक डालने पड़ गया, वो भी डाला, लेकिन कुछ ज्ञान नहीं था, चलता रहा आगे तक। मैं अहमदाबाद चला गया दुखी होके कि मैं ऐसे नहीं रह सकता यहाँ पे। फिर वहाँ रहने के बाद में भी मैं, मेरी शादी हो गई, शादी होने के बाद में मेरी मिसेज की तबीयत खराब हुई, जो बताया कि इनके जो है खून में जहर हो गया है, तो वो डॉक्टरों ने जब बताया तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं ऐसे ही सरकारी हॉस्पिटल में ले गया, वहाँ पे जाके मेरे तो भी 33,000 रुपये लगभग खर्च हुए, पूरा खून चेंज हुआ, और हमारा 2 साल का बच्चा था, वो बच्चा भी उसके उनको बीमार होने के पहले ही 2 दिन पहले हमारा बच्चा ख़त्म हो गया, तो और उसके बाद में ये बीमार हो गई, तो इसमें भी पैसा लग गया, तो मैं दुखी हो गया वहाँ पर, परेशान हो गया, मैं अहमदाबाद में मेरे को नहीं रहना है, अब यहाँ पे मेरा मन नहीं लगता, मेरे क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, मैं दुखी होता हूँ, मेरे घर में बीमारी हो जाती है, मैं बीमार हो जाता हूँ, बच्चे मर रहे हैं, मिसेज की तबीयत खराब हो गई, तो वहाँ से चलाया। फिर भी आस्था मेरी ख़त्म नहीं हुई इन भगवानों से। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? फिर मैं मतलब इतना दुखी होने के बाद में जब परेशान हो गया, तो मैं मेरे भाई साहब के यहाँ गया मिलने के लिए अहमदाबाद, तो उनके जो है गुरु जी की वहाँ पे जो कैसेट चला रखी थी मैं भी सुन रहा था, तो उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है इसके बारे में कुछ कह रहे थे गुरु जी, और फिर मैंने कहा कि ये तो पता नहीं कैसा ज्ञान है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर बाद में 2-1 दिन में रुका वहाँ पे, तो प्रमाण भी देख लिए मैंने, जब प्रमाण दिखाए तो मैंने कहा ज्ञान तो सही है, लेकिन फिर भी मन में शंका रही हमारे अंदर, और मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा, वो बोले कि देखो ज्ञान अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है, तुम इसको सुनो तो सही, सुनने में तो कोई बुराई नहीं, मैंने कहा सुनने में तो कोई बुराई नहीं है, सुनता रहा मैं, तो बहस भी करता रहा उनसे कोई कोई बातों के ऊपर, लेकिन फिर बाद में परमात्मा की दया हुई, वो आए, मेरे शादी थी बुआ जी के लड़के की, तो गांव में भी आया, भाई साहब भी आए, तो भात देने के लिए जाना था, वो बोले कि मैं गुरु जी के यहाँ पे जाऊँगा, तो तुम भात दे के आ जाना बुआ जी के यहाँ। मैंने कहा मैं भात देने के लिए जाऊँगा और आप वहाँ चल दिए बहाना करके, गुरु जी का अच्छा बहाना पकड़ रखा है आपने, और आप तो अपना पैसा बचा लिए, मेरा पैसा खर्च करवाने के लिए तैयार हो गए, मन में ऐसा आया, तो मैंने कहा मैं भी गुरु जी के चल देता हूँ, मैंने ऐसे ही कहा मेरे को भी चलो गुरु जी के, मैं भी चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बोले ठीक है तुम्हारी इच्छा है चलो, मैं कोई बुराई नहीं है चलने में, मैं तो तुम्हारे से ये नहीं कहता, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अपनी मम्मी से पूछ लो। मम्मी से पूछा तो मम्मी बोली कि बोले उन्होंने तो गुरु कर रखे हैं, तुम बोले यहाँ पे और कोई गुरु कर लेना, कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं मम्मी, मैं जाऊँगा इनके साथ में।
तो मैं पूछा कितने पैसे लगेंगे, 500 रुपए बताए। मैं आया यहाँ पे, आके सत्संग सुना गुरु जी का, मैंने नाम दान लिया। ये अपने उस टाइम पे कबीर जयंती थी 2010 में, उस दिन मैंने नाम लिया था यहाँ पे। तो नाम लेने के बाद में कैसेट का जो वो आता है यहाँ पे एक बॉक्स, तो उसको ले लिया मैंने सेट को, 150 से 160 रुपए का था, वो लेके चल दिया यहाँ से। खर्चा मेरा पूरा यहीं कर लिया मैंने, लौट के किराए का थोड़ा सा किराए का मात्र था जो दे दिया वहाँ पे भी। तो मेरे को यहाँ जिंद से बैठ के और मुरैना की टिकट ले ली मैंने, और ट्रेन में बैठ गया मैं। जो मुरैना उसका कोई स्टॉप नहीं था ट्रेन का, और जाना था उसको ग्वालियर, वहाँ पे किसी ने चेन खींच दी या किसी कारणवश वो गाड़ी रुक गई, कोई प्लेटफार्म पे नहीं, बीच में रुकी, वहाँ से हम उतर गए। हमने सोचा चलो मुरैना आ गया, उतर जाते हैं। उतरते ही हमारे को पुलिस वालों ने पकड़ लिया और अंदर ले गए, वहाँ पे बोले इनको जेल में डाल दो, इनको बोले चेन खींचिए, इन्होंने गलत किया है, कुछ भी हादसा हो सकता है। हमारे को खूब डांटा। मैंने कहा कि अगर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं कि हम बंदी छोड़े हैं, तो परमात्मा यहाँ पे मैं फंस गया आके, अब यहाँ पे मुझे कैसे भी करके निकाल दो। मैंने कोई उसमें अहंकार नहीं रखा, मैंने परमात्मा से अपने श्रद्धा अनुसार, मैंने परमात्मा से ऐसे अपने दिल से, परमात्मा मुझे अभी यहाँ से निकाल दो आप, मैं तो फंस गया यहाँ पे आके। और पैसे 1000-1000 रुपए सबसे मांग रहे हैं ये। तो पर वहाँ पे एक और किसी को पकड़ लिया पुलिस वालों ने, तो वो आया मेरे पास में, तो मैं उससे भी पैसे मांगने लगे कि बोले तू भी पैसे दे। तो मैंने वो बोला मेरे पास पैसे नहीं है। फिर वो थोड़ा हम दोनों एक साइड में हुए, तो मैंने कहा भाई साहब एक काम करो आप दे दो, आप क्यों परेशान होते हो, हम तो फिर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। बोले देखो पैसे तो मेरी जेब में पड़े हैं, 500-500 की गड्डी दिखाई उसने। तो मैंने कहा आप 500-500 की गड्डी रख रखे हो, तो मेरे को भी 500 रुपए दे दो, थोड़ा बहुत करके मैं भी यहाँ से फ्री हो जाऊँ। 500 रुपए दे दिए, और मैंने उधर एक मैडम आ गई जब तक थाने में, मैडम से मैंने कहा मैडम एक काम करो आप, है ना मेरे को कैसे भी करो, मेरी गलती हो गई, मैंने कुछ भी नहीं करा है, विश्वास करो। मैडम ने बोला ठीक है कोई बात नहीं है, बोले दोबारा ऐसा मत करना। और 500 हमारे सबके पास में थे, उस सारे इकट्ठे करके और 500 उससे ले लिए, और वहाँ पे दे के हम फ्री हो गए। मैंने उससे ये कहा जो जिससे 500 रुपए लिए थे, आप ये 500 रुपए है ना मेरे को नंबर दे दो आपका, या घर का एड्रेस दे दो। तो उसने मेरे को फ़ोन नंबर दे दिया, बोले ये फ़ोन नंबर है, फ़ोन करके कभी भी मैं आ जाऊँगा या तुम आ जाना, बता दूंगा एड्रेस जब मेरे को पैसे दे देना। मैंने कहा ठीक है, मैं गांव चला गया। फिर पर्स में मैंने संभाल के वो एड्रेस और नंबर लिख लिया, रख लिया, रख के मैं चला गया गांव। गांव जाने के बाद मैं वापस लौट के जब जयपुर आना था, तो मैं रास्ते में सोचा कि चलो फ़ोन कर लेते हैं एक बार, तो रास्ते में मिल जाए तो मैं पैसे देते हुए निकल जाऊंगा। तो फ़ोन वो देखा मैंने उसमें पर्स में, तो मेरे पास वो फ़ोन नंबर नहीं था। मैंने खूब दुखी हो लिया कि इसमें पैसे ही नहीं है, वो नंबर ही नहीं है, कहाँ गया नंबर, दुखी हो गया। चलो अब तो मैं आश्रम में जाऊँगा तो परमात्मा से प्रार्थना करूँगा, और मेरी तो कोई गलती इसमें है ही नहीं। तो ऐसे सोच के मैं आ गया। फिर यहाँ पे आके परमात्मा के जो है दान पेटी में मैंने 500 रुपए डाल दिए। परमात्मा मैंने कहा ऐसी ऐसी बात, परमात्मा बोले कोई बात नहीं बेटा, हंसते हुए निकल गए। मैंने कहा दिया बंद छोड़ के साथ। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पूर्ण ब्रह्म के नाम उपदेश लेने के बाद में मुझे इतना लाभ मिला कि मैं साइकिल चलाता था, साइकिल और पैडल पैसा इतने नहीं होते थे, कभी कभार के पैडल भी मैं डलवा लूँ। और मैं दुखी भी रहता था, काम खूब करता था, काम की कमी नहीं होती थी। अगर कोई ये भगत समाज अगर ये कहता है कि भाई काम करो तो काम करने से अपने आप पैसा आ जाता है, तो उस टाइम पर मैं काम करता था। मेरे पास कारीगर भी खूब होते थे, 3-3, 4-4 खूब होते थे, खर्चा चलने लायक, लेकिन मुझे उसमें कोई लाभ नहीं होता था। चलता रहा काफ़ी दिन तक। नाम लेने के बाद में पहले बीमार पड़ गया, तो हमारे से लोग बाग कहने लग गए कि बोले तुम नाम लेके आए हो और आके बीमार पड़ गए हो, और तुम्हारे को टाइफाइड हो गया, और तुम एक काम करो, बोले कोई झाड़ा लगाता है वहाँ पे जाके झाड़ा लगवा के आओ। तो मैंने उससे ये कहा कि भाई ऐसा है मेरे को झाड़ा नहीं लगवाना है, क्योंकि मेरे गुरुजी का आदेश है मैं झाड़ा नहीं लगवाऊंगा। बोले तुम मर जाओगे तो? मैंने कहा मैं मरना मंजूर है लेकिन झाड़ा नहीं लगवाऊंगा, गुरुजी का आदेश है। तो मैंने झाड़ा नहीं लगवाया। फिर बोले तो दवाई ले आओ, तो मैं दवाई ले आऊँगा। मुझे कोई डॉक्टर बता दिया, मैं 150 रुपए की दवाई लाया, उससे मैं ठीक हो गया। 15 दिन तक बीमार था लेकिन मैं दवाई लाया, ठीक हो गया। उसके बाद में मेरे धीरे धीरे जो है आमदनी बढ़ना शुरू हो गया, धीरे धीरे पैसा आने लग गया, टाइम से किराया देना शुरू हो गया मकानों का। फिर बाद में ऐसे ही हमारे साथ वालों ने कहा बोले अब तो तुम ठीक ठाक कुछ लग रहा है, गाड़ी ले लो। मेरे पास पैसे नहीं, फिर भी कहने लग गए बोले गाड़ी ले लो गाड़ी। तो मैंने ऐसी प्रार्थना कर ली गुरुजी से, मैंने गुरुजी मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, कोई पुरानी गाड़ी लेना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कह दिया बेटे बेटा कोई बात नहीं है, ज्योति करवा देना और ले लो। तो मैंने बस वहाँ पे गया, पुरानी गाड़ी देख भी ली और बात भी हो गई 20,000 में। लेकिन वो गाड़ी जिसको मैं साथ ले गया, मैं गाड़ी में कुछ जानता ही नहीं, साइकिल चलाने वाला क्या जाने गाड़ी में। तो वहाँ पे जैसे ही ले जाके दूसरे को ले गया, वो उसने मना कर दिया, बोले ये गाड़ी सही नहीं है इसको मत लो। मैं लौट आया, मैंने कहा बाद में ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है।
ऐसे ही फिर बात चल गई दूसरे तीसरे दिन, तो बोले नहीं ले लो। तो मैंने कहा नहीं, फिर कैसे, किस्तों का हिसाब नहीं बैठेगा, ये वो है। मैं ज़बरदस्ती किस्तों में मैंने गाड़ी ले ली, और अब गाड़ी लेने के बाद में धीरे धीरे मेरे ऐसे परमात्मा की दया हुई, मेरे मिसेस के 3 महीने का पेट में बच्चा आया, जबकि डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था, बोले अब कोई बच्चा करने की उम्मीद मत रखना, और अब है ना आपके 2 बच्ची हैं यही बहुत है। मैंने भी ये यहाँ जब आ गया, मुझे ज्ञान हो गया परमात्मा का, तो मैं भी जब आता तो दंडवत प्रणाम करता परमात्मा से, कहता परमात्मा मुझे अब किसी की आस नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय भक्ति के, और बच्चा मुझे नहीं चाहिए। लेकिन हमारी भक्तमती के अंदर ऐसा था कि वो लड़का होना चाहिए, तो वो यहाँ पे आके कई कबार प्रार्थना कर लेती थी, मतलब दंडवत करती थी जब, तो मैंने तो ये कहा परमात्मा से प्रार्थना की, परमात्मा अगर आप देते भी हो, आप तो दयालु हो परमात्मा, आप अगर ये प्रार्थना करेगी तो आप परमात्मा बड़े दयालु हो, अगर आप दे भी दो तो आप ऐसा भगत ही देना, अगर कोई हमारे अगर भगत नहीं हो, हमारे घर में आने लायक नहीं हो, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल ही मत देना, अगर भगत हो तो ही देना। परमात्मा ने बच्चा दिया, लड़का हुआ, लड़का तो जब पेट में था उस टाइम पे क्या हुआ, डॉक्टर के पास लेके गए हॉस्पिटल में, नया हॉस्पिटल है नाड़ी के फाटक पे, तो वहाँ पे उसने कह दिया कि बोले इनके जो है इस सर्जरी करनी पड़ेगी, और आपकी जो बच्चादानी है ख़राब है। मैंने कहा कि भाई कितना पैसा होगा, 20,000 का खर्चा बता दिया। हम लौट के वापस चले गए, दूसरे डॉक्टर के पास पहुँचे, वहाँ पे उनसे बातचीत की, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, उन्होंने ये कहा कि भाई दवाइयाँ हम दे देंगे, बाकी देखो परमात्मा जाने। मैंने कहा आप दवाइयाँ दे दो, मेरे पास पैसा है नहीं। उन दवाइयों को हमने जब चालू करा तो उन दवाइयों से धीरे धीरे आराम मिल गया, और कोई ऐसा जब उन्होंने कहा बोले 8 महीने पे आपके 2-4 बार प्रॉब्लम हो चुकी है, तो आप है ना इस पे बहुत ध्यान रखना है, बेड रेस्ट कराना है। मैंने कहा ठीक है, बेड रेस्ट हम कहाँ कराते मजदूर आदमी, और फिर भी मतलब चलता रहा, और जैसे ही मतलब उनका जो टाइम आने वाला हुआ, तो मैडम ने कहा बोले एक काम करते हैं आप है ना ये बच्चा का एक बार सोनोग्राफी करवा लेते हैं, कैसा है कैसा नहीं उसके बारे में पता लग जाएगा, अगर कोई आगे प्रॉब्लम होगा तो हम उस तरीके से तैयारी करेंगे ऑपरेशन की, तो पहले सोनोग्राफी करवाते हैं। मैंने कहा ठीक है सोनोग्राफी करवा लो आप। सोनोग्राफी करवा के आए तो मेरे को बताया बोले बच्चा उल्टा है ये, और उल्टा बच्चा है। तो मैंने कहा सीधा हो जाएगा देखो परमात्मा करेंगे, तो नहीं बोले ऐसा है देखो हो भी जाता है नहीं भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें तैयारी रखनी पड़ेगी। ठीक है तो रखो आप। फिर 15 दिन के बाद में फिर उन्होंने कहा बोले एक बार फिर ऐसा लग रहा है अगर आपके पास पैसे हों तो आप एक बार सोनोग्राफी और करवा लो एक बार मेरे कहने से। तो मैंने कहा मेरी कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवा लूँगा दोबारा से, मैंने करने वाले तो परमात्मा है। दोबारा लेके गया मैं, सोनोग्राफी करवा के लाया, तो उसमें बच्चा सीधा था, देखा उनको दिया, तो मैडम हंसने लग गई बोले इतना मतलब बच्चा बड़ा हो गया था जो सीधा होना मुश्किल हो रहा था, ये सीधा हो गया बच्चा। मैंने कहा परमात्मा की दया है। डिलीवरी का टाइम आया जिस टाइम पे, तो डिलीवरी जब ऊपर हो रही थी उस टाइम पे उनका जैसे ऊपर टाइम पीरियड पूरा हुआ, और इधर मेरा मतलब परमात्मा से मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, परमात्मा बंदी छोड़ आप दया करना, और ऐसी ऐसी डॉक्टरों ने कई बीमारियाँ बता रखी हैं, बोले कुछ भी हो सकता है, तो आप ही परमात्मा जो कुछ हो आप ही हो। और मैं माला करने लग गया पहले मंत्र वाली, और थोड़ी देर बाद में वहाँ से वो आई मतलब जो जो नर्स होती है कि बोले आपके लड़का हुआ है। तो मैं परमात्मा की तुरंत वहीं पर लेट के दंडवत प्रणाम की, और बाहर आके बस उन्होंने कपड़े वगैरह मांगे दे दिवा दिए मैंने। तो ये हमारे साथ में चमत्कार हुआ, और कई चमत्कार। बच्चा जब पेट में था उस टाइम पे वो टिपन दे के आ रही थी, तो एक ठिब्बा लगा उसको, ठिब्बा लगते ही एकदम से ऐसे गिरने को हुई, तो मैं वो बता रही थी मेरे को, तो बोले ऐसे मेरे को जैसे कोई हवा रोक लेती है, ऐसे मैं रुक गई वहाँ पे, खड़ी की खड़ी रह गई, वापस यूँ हो गई। आगे चली, आगे चलते ही बोले एक मोटरसाइकिल वाला आ रहा था मोड़ पे, तो उसने बोले मोटरसाइकिल ऐसे रेस में थी उसकी मोटरसाइकिल, और मैं सामने आ रही थी, उसकी मोटरसाइकिल एकदम से बंद हो गई, उस पर संभली नहीं लेकिन मोटरसाइकिल बंद हो गई, टक्कर होने से बच गई। फिर अंदर घर के अंदर आई, घर के अंदर आते ही उसने टीवी चालू करना चाहा कि चलो पंखा चालू करना चाह, पंखा चालू करें, टिफिन दे के आई थी दोपहरी का टाइम था, तो पंखा जैसे ही चालू करा तो एकदम से टीवी के अंदर पता नहीं क्या एकदम, तो एक तो खटके में से लाइट निकली और करंट निकला, जो एकदम से डर गई सेंप सी गई, और टीवी में जाके एकदम से भा आमदी से आवाज़ आई, टीवी खराब हो गई, और इसके हाथ पैर ऐसे थर्राने लगे, तो पड़ोसी के बगल में जाके उन्होंने पानी वानी पिलाया उनको, और पानी वानी पिला के तब राहत मिली। तो उससे सारी बात बता पूछी तो उसने यही सारा बताया। टीवी हमने जब दिखवाई जाके, तो टीवी में देखा कि बोले इसमें क्या खराबी है बताओ आप, तो देखते ही उधर बोले 250-300 रुपये का खर्चा है, तो वायरिंग खराब हुई तो उसने वायरिंग डाल दी, टीवी वही टीवी आज परमात्मा का सत्संग सुनते हैं हम उसमें, और सही चल रही है। और हमारे छोटे भाई के जो है दारू पीता था, सिगरेट पीता था, मैं परमात्मा से प्रार्थना, और परमात्मा हमारे भाई भी है उस पर भी दया करना।
तो परमात्मा ने उस पर दया की, तो वो बोला कि मेरे को तो पैसे अगर दे सकते हैं आपके गुरुजी तो मैं चल सकता हूँ आपके गुरुजी के, मुझे तो पैसा चाहिए कहीं पर भी मिले। मैंने कहा देख पैसा तो देंगे परमात्मा, सब कुछ देते हैं, तो पैसा तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पैसा नहीं, वहाँ तो मुक्ति चाहिए, मुक्ति मांग। तो और भक्तों से मैंने कहा, मेरा भाई मेरे से तो खिलाफ रहता था, औरों से कहा मैंने, आप लोग समझाओ इसको, अगर ये समझ जाए तो। उन लोगों ने भी समझाया, और भी भक्त मिले उनने भी समझाया, तो समझ आके फिर बाद में उसके मन में आ गया कि चलो चलते हैं। तो बीड़ी पीते हुए पूरी ट्रेन आया, यहाँ पे आने के बाद में उसने बीड़ी फेंक दी, बोले देखते हैं नामदान लेते हैं क्या होता है। नामदान लेने के बाद में उसकी आत्मा खुश हो गई कि परमात्मा के तो सच्चे नाम है, ये तो जाप करना चाहिए। फिर जाप करे और महीने दो महीने तक, एक महीने तक तो उसका चला के मैं पैसे वाला बनूं पैसे। फिर एक महीने बाद परमात्मा ने उसको ऐसा काम दे दिया कि उस काम के अंदर उसने जो एक हीरो गाड़ी थी उस गाड़ी को बेच के उसने एक प्लेटिना गाड़ी पुरानी ली, उसके बाद में उसने एक प्लॉट लिया और परमात्मा ने उसके ऊपर ऐसी दया कर दी कि आज दो तीन दिन हुए लड़का हो गया उसके भी। अभी दो दिन पहले ही मेरे पास अभी यहीं आश्रम में ही फोन आया था कि लड़का हुआ है, तो उसके भी लड़का हो गया, मेरे भी लड़का हो गया, जो भी कोई उम्मीद नहीं थी। और परमात्मा ने बहुत दया कर रखी है कि मैं मतलब कहाँ बताऊँ, जहाँ पर भी मतलब मुझे कहीं पर भी अगर ऐसा लगता है ना कि मेरा कोई काम बिगड़ता हुआ होता है या मेरे कोई पैसे नहीं होते, मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे हो जाता है जैसे मैंने पहले से कर रखा है, एंड टाइम पे तुरंत काम मेरा हो जाता है, हर पल होता है। जब भी मतलब मेरे को दिक्कत होती है तो उस टाइम पे एनी टाइम मेरा काम हो जाता है, मैं दुखी होता रहता हूँ और परमात्मा मेरा टाइम पे काम कर देते हैं। सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि सदगुरु रामपाल जी महाराज जगत गुरु तत्व संत हैं, ये पूर्ण ब्रह्म हैं, कबीर साहब हैं, इन्होंने पूरे प्रमाण दे दिए। मैं वेदों में गीता जी में 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र गीता जी और कुरान बाइबल मतलब और कबीर सागर में से सब में से पूरे प्रमाण दे दिए उन्होंने कि हम ही अलख अला हैं कुतब ओल और पीर गरीब दास खालक धनी हमारा नाम कबीर। ये सत्य पुरुष हैं, पूर्ण परमात्मा हैं और ये वास्तव में आ चुके हैं और इन्हें ये तो दर्शन दे देते हैं। हमारी छोटी बच्ची है 6-7 साल की बच्ची है, 2-3 दिन पहले बता रही थी, बोले हम सत्संग मतलब माला करके और खाट पे जैसे ही वो आई तो बच्चों के साथ खेलते खेलते ही ऐसे ही माला करके बैठ गई। बैठते ही 7-8, 9, 9:30 बजे का टाइम होगा शाम का और कभी परमात्मा के रूप में एकदम परमात्मा आए और उसको दर्शन दे के और चले गए तुरंत मेरे पास गई वो दौड़ के, बोले पापा पापा, बोले मेरे को तो परमात्मा ने अभी दर्शन दिए थे। मैंने कैसे दिए थे दर्शन? बोले पहले तो इतने छोटे से दर्शन दिए मेरे को और एकदम से बड़े हो गए मेरे साथ ऐसे कर रखा था उन्होंने परमात्मा ने और ऐसे करके और हंस रहे थे बोले मेरे तरफ परमात्मा। तो मैंने कहा और क्या देखा तूने? क्योंकि मेरी भी इच्छा हुई कि और कुछ बताए, तो मैंने कहा और क्या देखा? बोले परमात्मा के कपड़े जो है ना वो चमकदार, ऐसे कपड़े चमकदार थे, एकदम ऐसे चमक रहे थे। मैंने कहा यहाँ कुछ चमकने जैसा दिख रहा हो तो बता। बोले यहाँ तो मेरे को ऐसे कुछ चमक जैसा कुछ दिख नहीं रहा, मतलब बहुत चमक थी, मैं क्या बताऊं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने और भक्तों को भी बताया परमात्मा के दर्शन हुए। भक्त बोले कि तो परम ये झूठ बोल ही नहीं सकती, परमात्मा तो सबको दर्शन देते हैं। और हमारा भक्त समाज से यही कहना है कि परमात्मा की शरण में आ जाएं और अपना कल्याण कराएं। और कुछ जो मंडलेश्वर बैठे हुए हैं संत हैं जो हैं, इन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि इनका तो जो इस टाइम पे ऐसा सिस्टम हो रहा है जैसे कि मटका होता है और ये मटके की तरह हैं। हम संत क्या, हम भी सभी मटके की तरह हैं। और उसके एक किलो का मटका हो, उसके अंदर 1 किलो चना डाल दो और उसके अंदर अगर पानी डाल दिया जाए और उसको ढक्कन बंद कर दो तो मटका फूट जाएगा। तो परमात्मा का ये ज्ञान ऐसा है कि ये मटका अपने खुद ही क्यों फोड़वाना चाहते हो, और परमात्मा तो फोड़ेंगे ही, लेकिन आप भक्त समाज को जो है कैसे भी करके सबको ये कह दो कि भाई मेरे पास कुछ है नहीं और जो कुछ है सतलोक आश्रम बरवाला में है। तो मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ इन संतों से कि सच्चाई कह दो, कब तक छुपा के रखोगे? और ये सच्चाई कहनी पड़ेगी, नहीं कहोगे तो भक्त समाज सामने खड़ा हो जाएगा, फिर उनको जवाब देते नहीं बनेगा। इसलिए मैं इन लोगों से तो ये कहना चाहूँगा, बाकी और भक्त समाज है, इन भक्त समाज से ये कहना चाहूँगा कि देखो परमात्मा आ चुके हैं। बार बार मैं कहता हूँ कि परमात्मा है, क्योंकि मुझे हर बार परमात्मा ने सहयोग दिया है, हर बार मुझे परमात्मा ने कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने से बचा दिया। एक बार भक्त समाज से मेरी यही प्रार्थना है कि सतलोक आश्रम बरवाड़ा हरियाणा हिसार में आकर अपना कल्याण करवाएं, क्योंकि यहाँ पूर्ण परमात्मा सत्य कबीर साहब बैठे हुए हैं और ये इंतजार कर रहे हैं परमात्मा भक्त समाज का, और आए कल्याण करवाएं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, सत साहेब। धन्यवाद आपका बहुत।